किस ईयर का बना रहे हैं हम लोग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड प्रिपेयर ए कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31st December 2015। अंडरलाइन करो 31st December 2015। इक्विटी एंड लाइबिलिटी दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 इंच करके, 2,50,000, यानी एस लिमिटेड के पास 9,000 शेयर्स है। रिजर्व एंड सरप्लस 60 एंड 30 दिया है, बाद में 30 को बांटा है, 30 जो बांटा है एस लिमिटेड ने, उसमें बताया कि सरप्लस है 10,000 और रिजर्व है 20,000। ये सब क्लोजिंग है। ट्रेड पेबल क्रेडिटर है 20 और 25 में 8,000 का इंटर ट्रांजेक्शन्स है, देखेंगे नोट्स टू अकाउंट में बताया है। फिक्स असेट्स टेंजेबल है, टेंजेबल में प्लांट और फर्नीचर है ये बताया है, इनटेंजेबल में उधर ही गुडविल लिख के छोड़ दिया, गुडविल दोनों के पास है, सब्सिडी कंपनी का गुडविल को राइट ऑफ करने का कोशिश मत करना, उसको एज इट इज रहने दो। नॉन करेंट में स्टॉक है, ट्रेड पेबल को दो भागों में बांटा है, 8,000 रुपया उसमें इंक्लूड किया है इंटर ट्रांजेक्शन को। नीचे में कुछ बात बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एच लिमिटेड ने जो शेयर एक्वायर्ड किया वो 1 जनवरी को किया, अंडरलाइन करो, यानी कोई लफड़ा नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, और उस समय रिजर्व को अंडरलाइन करो और पीएल को अंडरलाइन करो, जिस समय आपने शेयर लिया था उस समय रिजर्व 15,000 का था और पीएल कितने का था? 6,000 का, लेकिन इसके बाद वाले में दम है, वहीं पर इंपॉर्टेंट लिखो। ऑन द डेट ऑफ एक्वाइजेशन, बढ़िया से समझना, मैंने जब आपको सारे क्लास में आपको शुरुआत में जब इसका बता रहे थे तो उसमें हम बता रहे थे कि एसेट्स अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन होता है, यहां पर देखिए एसेट्स अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन हुआ है। बोलता ऑन द डेट ऑफ एक्वाइजेशन मतलब जनवरी में प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड विच स्टूड एट द बुक 50,000, प्लांट एंड मशीनरी जो 50,000 का था वाज रिवैल्यूड एट 45,000, 5,000 रुपया घट गया, ये जनवरी का बात है, बट पूरे जनवरी में 50,000 के ऊपर हम लोग डिप्रिसिएशन किए, डिप्रिसिएशन ज्यादा कट गया तो प्रॉफिट मेरा कम हो गया, एंड फर्नीचर 6,000 का था उसका वैल्यूएशन भी 5,000 हुआ, रिवैल्यूएशन में दोनों लॉस है, प्री में माइनस हो जाएगा, बट हम लोग 6,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन काटना था 5,000 के ऊपर, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। द न्यू वैल्यू वी आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक, बुक में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, नहीं होने से ही तो हमारा डिप्रिसिएशन ये सब कुछ जो ज्यादा वैल्यू था उसके ऊपर लग गया। एस लिमिटेड हैड परचेज गुड्स, जो सब्सिडरी कंपनी है होल्डिंग कंपनी से 10,000 रुपये का गुड्स लिया है वो स्टील इन स्टॉक अभी भी है और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है? 1/3 अबव कॉस्ट प्राइस, 25% अबव नहीं बोला, 1/3, 1/3 का मतलब ही क्या हुआ? पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना, 1/3 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो ठीक है, यानी 33.33%। ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सम्स इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? दो कारणवश, 1/3 बोला ऑन कॉस्ट, समझ में आ गया आपको कि 100 को अगर 3 से करते हैं तो 1/3 ही होता है, यानी 33.33%, और दूसरा दो असेट्स अंडर ओवर, दोनों तो यहां पर वैसे तो ओवर वैल्यूएशन है, एक अंडर कर देता तो और भी मजेदार हो जाता काम, चलो दोनों का दोनों वैल्यूएशन तो हुआ तो उसका काम सीखेंगे, यानी यहां से ये सम्स इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ। चलिए शुरू करते हैं, इसमें कुछ सीखने को है। एच लिमिटेड एस लिमिटेड, पहला बोलिए तो कितना शेयर लिए थे आप? 6,000 शेयर कितना लिए हैं?
बोला जिस समय आपने शेयर लिया रिजर्व है और पीएल है। आगे बता रहा है प्लांट का वैल्यू 50 था, अभी कितना हो गया? ₹5,000 घट गया। यहां लेस लिख दिए, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर 6,000, कितना 15,000 हो गया ना। ये कैसे करके बांटेगा, कितना कितना होगा बोलो। पोस्ट में रिजर्व दिया हुआ है। अच्छा आप यहां तक कॉपी कीजिए क्योंकि पोस्ट हम ऊपर करेंगे, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। अब फिर यहां पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पीएल अभी 10,000 है, ओपनिंग में कितना था? 4,000, 20,000 रिजर्व है। ओपनिंग में कितना था? 15,000। डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? आप बोलेंगे कि सर चार्ज क्या है, इसमें तो परसेंटेज ही नहीं दिया है। अरे परसेंटेज नहीं दिया उसी का मतलब कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा ध्यान से देखो। आप इधर ₹5,000 ओवर वैल्यूड था ना, तो 5,000 का हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। टोटल दाम कितना था? 50,000 लिखा है ना, 50,000 का एक प्लांट 45,000 हो गया, मतलब ₹5,000 के ऊपर हमारा जो डिप्रिसिएशन है कितना लगा होगा, कैलकुलेट करके देखो कितना हो रहा है। तो ₹500। अब सर वो 10% हुआ क्या? और जो भी हुआ हम लोग को उससे भी मतलब नहीं, परसेंट दिया रहता तो परसेंट से कर लेते। इसी तरह से एक और भी एड होगा, किसके ऊपर? फर्नीचर कितने का था बोलिए? 6,000 का 5,000, यानी ₹1,000 टोटल 6,000 के ऊपर कितना आ रहा है घटा के देखिए, तो 167 आ रहा है। सभी को जोड़ दो, 966 अब आप सबको ही जानते हैं, पूरा नहीं लिया है तो क्या होगा, ऐड करेंगे। कितना नहीं लिया? 3,000। बताओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हुआ, एक तो मिटा हुआ है, बताओ। यहां एक इंपॉर्टेंट बात है जरा समझिए, सरप्लस रिजर्व यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 5,000 के ऊपर हम लोग 45,000, 5,000 के ऊपर हम लोग क्या किए, ज्यादा डिप्रिसिएशन काटे हैं, तो कितना काटे हैं उसको हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया, ठीक है। उसी तरह से डिप्रिसिएशन हम लोग ₹1,000, 6,000, 5,000, 1,000, 1,000 का डिफरेंस करके काट लिए। अब जल्दी से आप निकालिए गुडविल, और जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। ऐसे यहां दिखाने का एक स्टाइल क्या है, सो देखिए ये जो 5,000 है ना,
50,000 माइनस 45,000, 6,000 माइनस 5,000, ऐसे दिखाने का स्टाइल है, हम लोग डायरेक्ट दिखा दिए। बोलो कॉस्ट ऑफ शेयर एच पर बैलेंस शीट, कितना है? 80,000। लेस करिए, छह हजार लिया था ना, कैपिटल प्रॉफिट प्री 10,000, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक है ना, आइए यहां तक आपको समझा दें। गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है? तो कॉस्ट बैलेंस शीट में 80,000 दिया हुआ है कि आपने जो शेयर लिया 80,000 का लिया, होल्डिंग कंपनी ने 6,000 शेयर के बदले में 80,000 पे किया, बट उसका फेस वैल्यू 60 एंड ये प्री। 10,000 का स्टॉक में 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 मतलब ये 33.33% ऑन कॉस्ट बोला, गिवन परसेंट 100 प्लस गिवन परसेंट 2,500 रुपया, बैलेंस शीट में दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा। बट यहां पर एक नोट्स टू अकाउंट कर सकते हैं हम लोग, किसका? रिजर्व एंड सरप्लस का। जरा बताइए कितना है? तो हम लोग देख रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम है 25,000, पीएल है 35। अभी आप बताइए एक कि कैपिटल प्रॉफिट भी आया था पोस्ट, कितना? 64। अच्छा यहां पर तो गुडविल निकल गया, इसलिए यहां पर दरकार नहीं है, लेस करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक कितना? 2,500। बताओ कितना आ रहा है? 63। बढ़े आगे, जल्दी कंप्लीट करो, सारा कुछ हो गया, अब क्या करना है? 10 ईच होल्डिंग कंपनी का कितना दिख रहा है जरा जल्दी से बता दो, 2,500,000। रिजर्व एंड सरप्लस अभी हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे? 6,945। करंट लायबिलिटीज है 20 और 25, कितना दिया हुआ है? 20 और 25, तो 40। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकला था? 38,22। बताओ टोटल करके, फिक्स असेट्स कितना हो रहा है जरा बताएंगे? फिक्स असेट्स आपको दिखाना पड़ेगा, यहां पर हम दिखा रहे हैं 3 नंबर नोट्स, नोट्स नंबर 3 दिखा रहे हैं। ये देखो यहां ध्यान से, क्या था आपका? प्लांट था और क्या था? फर्नीचर था, हम दोनों एक साथ दिखा दे रहे हैं, ठीक है? कितने का था प्लांट बोलिए? प्लांट कितने कितने का था? 80 और 45,
45, ये होल्डिंग कंपनी का था और ये सब्सिडरी कंपनी का था। फर्नीचर कितने कितने का था? 10 और 5। इसमें लेस हो जाएगा जो आपका अंडर वैल्यूएशन हुआ था। कितना कितना अंडर वैल्यूएशन हुआ था? ये 5000 और 1000 प्लस हो जाएगा एक्सेस डिप्रिसिएशन। एक्सेस डिप्रिसिएशन इसमें कितना हुआ था? 500, इसमें 167। ये दोनों को जोड़ के यहां पर हम लोग लिखेंगे। देखिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है 120,500 और 15 में 1 चला गया 14,167। दोनों जोड़ो तो यहां पर लिखेंगे 1, 3, 4, तो 1, 3, 4, 6, 7 आ गया। गुडविल कितना आया बोलिए? पहले से कितना कितना था? पहले से गुडविल था, गुडविल देखिए दिया हुआ है 40,000 और 30,000 पहले से था। प्लस अभी जब हम लोग खरीदे थे तो 10,000 हुआ, ठीक है। कितना हो गया? ये 4 नंबर में दिखाना था नीचे, फिर से सुन लो। फिक्स असेट्स मैंने यहां पर आपके लिए कर दिया, होल्डिंग कंपनी का जो ज्यादा वैल्यूएशन था वो घट गया जो वहां पर माइनस किए थे, और एक्सेस डिप्रिसिएशन प्लस कर दिए, ये दोनों को जोड़ के यहां लिख दिए। पहले से 2 गुडविल था और 10,000 रुपया हम लोग कैलकुलेशन में निकाले थे, वो आके यहां पर जुट गया। अब सब कुछ हो चुका है, नीचे देखिए और क्या है। टेंजेबल हो गया, इंटेंजेबल हो गया, नॉन करेंट असेट्स 80,000, वो क्या चीज का था तो पता चल गया। अब स्टॉक है, स्टॉक जरा बताइए, कोई बताएंगे तो करंट असेट्स में स्टॉक कितने का है? पैतालीस हजार है, 30,000 है, उसमें से 2,500 रुपया अनरियलाइज्ड माइनस हो जाएगा, ट्रेड रिसेबल भी है 60,000 और 88,000 आ गया, बैंक में भी है 15,000 और 7,000। सिंपली जुट जाता है, आप लोग सबको ही जानते हैं, जरा टोटल करके एक बार देखो कि सही आ गया कि नहीं। आप लोगों ने देखा ठीक है, यानी 390,716,7। तो इस तरह से अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का जो असेट्स का होता है वो ट्रीटमेंट आपने सीख लिया कि क्या करना है नहीं करना है। प्री में करेंगे, अगर ओपनिंग में हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट यहां पर करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने फिक्स असेट्स में दिखाया। ओके, उम्मीद है काफी सिंपल लग रहा होगा आपको, आराम से आप सीख रहे होंगे।